हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटपुरी। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है जन्माष्टमी स्पेशल गोपाल काला। और गोपाल काला बोलो तो एक पारंपरिक रेसिपी है फ्रेंड्स, जो कि प्रसाद के तौर पे हमें दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो है ये मोटा पोहा, जो हम आलू पोहा का जो पोहा होता है फ्रेंड्स वो है, और सेम उसी तरीके से हमें इसे भिगो के रखना है और इस तरह से हमें इसे तैयार करके रखना है। ये भिगोया हुआ पोहा है। उसके बाद में हमारी ये ज्वारी की लाही लगेंगी फ्रेंड्स, हमें थोड़ी सी हरा धनिया लगने वाला है, दही लगेगा हमें। उसके बाद में हमें अनार के कुछ दाने लगने वाले हैं। ये भुट्टा है फ्रेंड्स, जो हमारा जो भुट्टा होता है फ्रेंड्स, स्वीट कॉर्न को हमने इस तरह का जो भुट्टा होता है इसे हमने गैस पर भून लिया है। ये स्वीट कॉर्न है, इसको भून लिया है। उसके बाद में हमने इसके ये बीजे निकाल लिए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें ये गीला नारियल, यानी कि डेजिकेटेड गीला नारियल लगेगा, जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। उसके बाद में हमें चना दाल, जो भिगोई हुई चना दाल है वो लगने वाली है। ककड़ी लगेगी, जो हमने छोटे पीसेस में कट करके रखा है। उसके बाद में हमें सेब लगने वाली है, हरी मिर्च लगेंगी, नींबू का अचार लगेगा, नमक लगेगा और ये शक्कर लगेगा। इसे बनाना तो बहुत आसान है और ये गोपाल काला बोलो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम हमारा ये भिगोया हुआ पोहा डाल देते हैं। पोहे को हम थोड़ा सा इसे खुला खुला कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें लाही डाल देंगे, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारा कांच का बाउल थोड़ा छोटा पड़ रहा था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। और ये देखिए, इसमें हमने ये सब मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे दही, ये मीठा हुआ दही है। इसमें कोई ये प्रोपोर्शन नहीं होता फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हो। इसमें शक्कर डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा नमक, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये प्रसाद के तौर पे हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है, और गोकुल अष्टमी होगी या गणेश विसर्जन के समय में खास तौर पे ये प्रसाद इस टाइप का बनाया जाता है। उसके बाद में हम इसमें ककड़ी डाल देते हैं, चने की दाल डाल देंगे। ये आपको जो जो चीज में से ज्यादा पसंद है उसे आप ज्यादा डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई प्रपोर्शन नहीं है कि इतना डाले कि उतना डाले, सिर्फ आपको सिर्फ नमक और जो दही डालते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में हम फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे एप्पल, यानी कि सेब, अनार के दाने डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देंगे, और ये है हमारा कोकोनट का, यानी गीला हुआ जो नारियल होता है ना, गीला वाला नारियल हमारा वो है ये। इसे हमें अच्छे से एक मिक्स देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत हेल्दी भी है फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हो। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा हरा धनिया डाल देते हैं, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमारा लास्ट रह गया है वो नींबू का अचार। ये इससे हमारा जो ये गोपाल काला जो बनेगा ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। अब इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप कर देंगे, और तैयार हो गया हमारा ये गोपाल काला। बना के देखिए आप भी इसी टाइप से, ये पारंपरिक पद्धति है फ्रेंड्स, इसी टाइप से हमें पाने, बिल्कुल पारंपरिक स्टाइल है ये, इसी टाइप से आप बना के देखिए, आपको भी ये बेहद पसंद आएगा। और वो जन्माष्टमी के समय में इस टाइप का प्रसाद बना के आप सबको बांटिए, ये बेहद टेस्टी प्रसाद होता है। तैयार हो गया फ्रेंड्स हमारा, लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा जन्माष्टमी स्पेशल
गोपाल काला, ये प्रसाद को आप बना के खाइए। और गणेश विसर्जन के समय बोलो या गोकुल अष्टमी का जो ये होता है लास्ट डे होता है उस दिन आप इसे बना के प्रसाद के रूप में दीजिए, आपको ये बेहद पसंद आएगा। और ये प्रसाद हमारा पारंपरिक प्रसाद है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक की बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And thanks for watching my channel. Thank you so much.